दिल्ली का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो रहता बस्तियों में है पर काम उनके लिए करता है जो दिल्ली के महलों में रहते हैं। ऐसे शहर को पुलिस करना पेचीदा काम है। नमस्कार फैन, तो आज हम बात करेंगे दिल्ली क्राइम के सीजन 2 के एपिसोड 1 की। इस एपिसोड की कहानी डीएसपी वर्तिका चतुर्वेदी यानी कि शेफाली शाह से शुरू होती है, जहां वो बताती है कि दिल्ली की एक तिहाई जनता अनऑथराइज बस्तियों में रहती है और अमीरों की सेवा करती है। वो अमीर जो भारत में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, और ऐसे शहर पे निगरानी रखना बहुत मुश्किल काम है, वो भी कम स्टाफ वाले फोर्स के साथ। आखिरकार हम अमीरों की लाइफ स्टाइल निगरानी तो नहीं रख सकते और ना ही गरीबों के सपने पे। इस संघर्ष में कभी कभी ऐसे गुनाहों और गुनहगारों का चेहरा दिख जाता है जो हमारी समझ से बाहर होता है। इस सीरीज के शुरू में ही दिखाया जाता है कि कुछ लोग अटका ड्रिंक कर रहे होते हैं, उसके बाद उनके घर कोई आता है और उनमें से किसी का मर्डर करके चला जाता है। फिर कहानी शुरू होती है पुलिस थाने से, जहां इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह अपने साथी आशुतोष से अपनी लड़की के लिए शादी.com पर प्रोफाइल बनाने के लिए बोलता है। फिर वर्तिका अपने घर अपने पति विशाल चतुर्वेदी के साथ खाना खाते हुए दिल्ली क्राइम के बारे में बातें करती है। फिर एक इंस्पेक्टर उसे इन्फॉर्म करता है कि थाने से कॉल आया है। नीति सिंह जो कि एक IPS ट्रेनी है, उसे भी कॉल जाता है एक मर्डर के रिगार्डिंग, जो कि शुरू में ही CCTV फुटेज में दिखाया जाता है। उसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं सभी लोग। फिर सभी लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, इधर उधर पूछताछ करते हैं कि किसी ने कुछ देखा तो नहीं। सारी CCTV फुटेज ले ली जाती है। फिर जो मर्डर हुआ होता है, उनकी लड़की नीता अरोरा आ जाती है, जिसे अंदर कमरे में नहीं जाने दिया जाता है, उसे बाहर बैठकर वेट करने के लिए बोला जाता है। फिर DSP वर्तिका अनीता को बता देती है कि तुम्हारे मदर एंड फादर का मर्डर हुआ है। फिर अनीता व उसका लड़का दोनों को नीति सिंह संभालती है, और फिर फॉरेंसिक टीम आती है और सारे सबूत लेकर चली जाती है। फिर दोनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर एक CCTV फुटेज में सब इंस्पेक्टर जयराज को मर्डर का पूरा सीन देखने को मिल जाता है। वो फुटेज वर्तिका को दिखाई जाती है, जिससे वो साउथ दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बोलती है और हर सस्पेशियस इंसान को पूछताछ करने के लिए बोलती है। फिर शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और वर्तिका को लगता है कि ये जो मर्डर किया है वो कच्चा बनियान गैंग ने किया है। फिर DCP वर्तिका घर आ जाती है और अपने पति के साथ कच्चा बनियान गैंग के बारे में डिस्कस करती है कि ये कच्चा बनियान गैंग किन जगहों को टारगेट करती है और किन लोगों को। फिर DSP वर्तिका अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को बताती है कि जो कच्चा बनियान गैंग है वो किस तरीके से मर्डर करते हैं और मर्डर करने के लिए वो क्या क्या हथियार यूज करते हैं। फिर वो अपनी जो भी पुरानी फाइल होती हैं उनमें से कोई लीड ढूंढने को बोलती है। फिर कुछ ही टाइम के बाद जो मर्डर होता है उसकी न्यूज TV पर दिखाई जाने लगती है। न्यूज की बात CP यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस कुमार विजय को पता चल जाती है, तो वो न्यूज को तुरंत रोकने के लिए बोलता है वर्तिका सिंह से, और एक रिटायर्ड SHO वीरेन चड्डा की हेल्प लेने को बोलता है। फिर वर्तिका दो लोगों को वीरेन चड्डा के घर भेजती है, क्योंकि उसने ऐसे कई सारे केस सॉल्व किए थे। चड्डा जाने की मना करता है। पहले वो कुछ अपनी डिमांड रखता है कि मेरी पेंशन रुकी हुई है, वो आएगी तभी जाऊंगा वरना नहीं। फिर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में कच्चा बनियान वाले कॉल करके बताते हैं कि पुलिस अपनी औकात में रहे। उधर दूसरी तरफ एक और मर्डर हो चुका होता है। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। नमस्कार फैन, तो आज हम बात करेंगे दिल्ली क्राइम के सीजन 2 के एपिसोड 2 की। तो दोस्तों इस एपिसोड की जो कहानी शुरू होती है वर्तिका से शुरू होती है, जहां एक मर्डर हो चुका होता है, और जब DCP वर्तिका मर्डर सीन पर पहुंचती है तो यह मर्डर सीन अरोड़ा केस मर्डर की तरह होता है। तो फिर DCP वर्तिका सिंह अपने साथियों को जांच के लिए बोलती है, क्योंकि वहां कोई CCTV कैमरा नहीं होता है, लेकिन इस बार मर्डर करने वाला जो होता है कार से आता है। उसके बाद विक्टिम को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। फिर DCP वर्तिका विक्टिम के रिलेटिव से मर्डर की पूरी जानकारी लेती है कि मर्डर कैसे हुआ था। फिर दूसरी तरफ वर्तिका के कहने पर रिटायर्ड पुलिस SHO चड्डा सिंह आ जाता है और चड्डी बनियान गैंग के बारे में बताता है कि ये लोग कैसे काम करते हैं। फिर वर्तिका चड्डा को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देती है और साथ में कुछ पुलिस वाले भी। फिर चड्डा सभी के साथ सहादरा जाता है, जहां चोरी चपाटी चैन स्मेलिंग करने वाले छोटे मोटे जो गुंडे लोग रहते हैं वहां जाता है। चड्डा के साथ पुलिस इंस्पेक्टर जयराज भी रहता है। फिर वीरेन चड्डा जिन गुंडों की एक लिस्ट बना के लेके आता है, उन सभी गुंडों को पकड़ के ले जाता है। फिर वर्तिका पुलिस इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह के साथ
साथी आशुतोष को बुलाती है और अरोड़ा के सीसीटीवी फुटेज लीक होने के बारे में पूछती है कि वो सीसीटीवी फुटेज किसने लीक की थी। फिर वर्तिका अपने सभी टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देती है कि किसी से भी अरोड़ा केस का सीसीटीवी फुटेज लीक हुआ है तो वो मुझे बता दे। फिर सादरा से चड्डा सिंह जिन गुंडों को पकड़ कर लाता है वो खबर मीडिया में फैल जाती है। फिर चड्डा उन सभी लोगों से पूछताछ करता है कि कच्चा बनियान गैंग में कौन कौन काम करता है। फिर आशुतोष को पता लग जाता है कि चड्डा जिन लोगों को पकड़ कर लाया है उनमें से दो लोगों की मोबाइल लोकेशन मर्डर सीन से मिल रही है। फिर जयराम को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाती है जिससे और भी कन्फर्म हो जाता है कि जो दोनों बंदे अरोड़ा केस के मर्डर से दो दिन पहले वहाँ थे लेकिन फिर भी दोनों मना कर देते हैं। फिर दोनों को इंटरोगेशन रूम में भेज दिया जाता है। फिर दूसरी तरफ आशुतोष को भी पता लग जाता है कि जो अरोड़ा केस की सीसीटीवी फुटेज लीक हुई है वो किसके जरिए लीक हुई थी। उसी की टीम से एक कांस्टेबल होता है जिसने ये खबर मीडिया में फैलाई हुई थी। फिर डीसीपी वर्तिका के पास जाना माना लॉयर विनीत सिंह आता है खन्ना केस को लेकर क्योंकि वो चाहता है कि जिन लोगों को चड्डा पकड़ कर लाया उनको छोड़ दिया जाए लेकिन वर्तिका मना कर देती है कि जो कुछ भी करना है कोर्ट में करना। फिर मर्डर में जो दो लोग सस्पेक्ट होते हैं उनको हॉस्पिटल लाया जाता है टेस्ट के लिए लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे दिल्ली क्राइम के सीजन 2 के एपिसोड 3। तो दोस्तों इस एपिसोड की जो कहानी है वो भी एक मर्डर से शुरू होती है जहां उनकी फैमिली बाहर गई होती है और घर पर बुजुर्ग लोग ही रहते हैं। इस केस को भूपेंद्र एंड जयराज देख रहे होते हैं तो इन दोनों का जो शक होता है उन्हीं लोगों पर जाता है जो हॉस्पिटल से दो लोग भागे थे। फिर वो उन दोनों लोगों से पूछताछ करते हैं जिनको चड्डा पकड़ कर लाया होता है। फिर आईपीएस ट्रेन नीति वर्तिका के पास जाती है और वर्तिका नीति पर गुस्सा करती है और उसकी लीव कैंसिल कर देती है क्योंकि जो दो लोग हॉस्पिटल से भागे थे उसी की कस्टडी में थे। फिर वर्तिका एंड भूपेंद्र और उसके साथ में बैठकर केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि मर्डर करने वाला कोई सबूत छोड़ के गया है या नहीं। फिर वर्तिका चली जाती है और उधर दूसरी तरफ अरोड़ा केस की अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उधर चड्डा उन लोगों से पूछताछ करता है कि उनमें से एक बंदा बता देता है कि आजाद की एक बहन है वो वहाँ गया होगा। तब दूसरी तरफ कमिश्नर ऑफ पुलिस कुमार के पास मंत्रालय से कॉल आता है कि केस को सॉल्व कर पाओगे या नहीं, सबूत वगैरह तुम्हारे पास है या नहीं। वो 24 घंटे का समय मांगता है उन लोगों को पकड़ने के लिए। फिर कुमार वर्तिका को भी 24 घंटे का समय देता है। दूसरी तरफ चड्डा अपने कुछ साथियों को लेकर आजाद की बहन के घर जाता है आजाद को ढूंढने के लिए और उसकी बहन को पकड़ कर ले आता है। फिर नीति सिंह का हस्बैंड नीति के पास आता है और उसे घूमने के लिए बोलता है और नीति मना कर देती है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर आजाद की बहन वर्तिका से मिलना चाहती है तो फिर वो एक लेडीज कांस्टेबल से वॉशरूम के बहाने जाती है और डीसीपी वर्तिका से मिलती है लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती है क्योंकि वर्तिका ऑलरेडी परेशान रहती है अपनी बेटी को लेकर। फिर वर्तिका आजाद की सिस्टर से मिलती है जो बताती है कि आजाद मेरा दूर का भाई है और चड्डा हमसे 15,000 रुपए मांग रहा है और बोल रहा है जो 15,000 रुपए हमें देगा मैं उसका जो है कच्चा बनियान गैंग से नाम निकाल दूंगा। फिर वर्तिका चड्डा से मिलती है और उससे रिश्वत के बारे में पूछती है। फिर चड्डा को जाने के लिए बोल देती है और उसके हाथों से हैंडओवर ले लेती है। और दूसरी तरफ लॉयर विनीत सिंह उन बंदों को लेकर आता है जो हॉस्पिटल से भागे थे आजाद और जुगनू उनको लेकर आता है और पुलिस को सरेंडर कर देता है। फिर वो बताता है कि ये जिन सीसीटीवी फुटेज के व्याप पे आपने इनको पकड़ा है एक्चुअली उस रात ये दोनों मेरे पास एक लॉज में रुके थे। फिर विनीत वर्तिका को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है उसी लॉज की जहाँ वो दोनों रुके थे। फिर वो दोनों उस रात का पूरा सच बताते हैं कि उस दिन हमने चोरी की थी 30 लाख कैश की एक कोठी से। फिर भूपेंद्र उस घर जाता है जहां उन्होंने चोरी की थी जहां वो उससे मिलता है और भूपेंद्र उसे धमकाकर पूछ लेता है तेरे घर चोरी हुई थी लेकिन वो कंप्लेंट नहीं करता है क्योंकि वो पैसा जो होता है उसका ब्लैक मनी रहता है। फिर जयराज भी उस लॉज की सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म कर लेता है कि दोनों बंदों का अरोड़ा केस से कोई लेना देना नहीं है। फिर वर्तिका उनको रिलीज कर देती है। फिर वर्तिका कुमार को बता देती है कि जो लोग हमने पकड़े हुए हैं उनका कच्चा बनियान गैंग से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कुमार बोलता है कि ये बात कोर्ट डिसाइड करेगा हम नहीं। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन दोनों को पेश करना होता है एज ए क्राइम सस्पेक्ट। फिर डीसीपी वर्तिका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देती है हमने जो बंदे पकड़े हुए हैं उनका कच्चा बनियान गैंग व मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है और पुलिस उन बंदों को छोड़ देती है। बाद में दिखाया जाता है कि कच्चा बनियान गैंग के लोग एक और मर्डर करने जा रहे होते हैं पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो नहीं करते हैं। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे दिल्ली क्राइम के सीजन 2 के एपिसोड 4 की। दोस्तों इस एपिसोड की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां एपिसोड
एपिसोड 3 में पर्तिका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देती है कि जो बंदे उन्होंने पकड़े थे उनका कच्चा बनियान से कुछ भी लेना देना नहीं है और ये बात न्यूज चैनलों पर फैल जाती है। लेकिन कुमार विजय पर्तिका पर गुस्सा करता है कि मैंने तुमको ऑर्डर दिया था उनको कोर्ट में पेश करने के लिए, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत कम समय है, कमेटी बैठेगी और वो तुम्हारे बारे में डिसाइड करेगी कि तुम्हारा क्या करना है। फिर वर्तिका वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी सभी टीम मेंबर के साथ बैठकर कच्चा बनियान गैंग के बारे में बातचीत करती है। फिर सभी लोग जानकारी जुटाने के लिए लग जाते हैं। नीति आईपीएस ट्रेनिंग क्लब वगैरह जाती है पूछताछ के लिए। जयराज को एक लीड मिली होती है अरोड़ा केस को लेकर, तो एक सुनार के पास जाता है लॉकेट की पूछताछ में। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि एक बुढ़िया आई थी लॉकेट को बेचने के लिए और वो भी ज्यादा पूछताछ करने लग जाते हैं। तो फिर एक बंदा और मिल जाता है जहां वो बुढ़िया उनसे सामान बेचने आई थी। फिर उनको एक लड़के से पता लगता है कि बुढ़िया ने जंगपुरा के लिए ऑटो लिया था। उधर दूसरी तरफ कच्चा बनियान गैंग के सभी बंदे मिलकर जो गहने बेचे थे उनके पैसों को आपस में बांट रहे होते हैं। दूसरी तरफ नीति एंड पुलिस इंस्पेक्टर भूपेंद्र जंगपुरा जाते हैं उस बुढ़िया को ढूंढने के लिए उसके एड्रेस पर, और उन्हें वो बुढ़िया मिल जाती है। फिर वो उसे अपने साथ ले आते हैं। उधर दूसरी तरफ कच्चा बनियान गैंग के लोग दूसरी मर्डर की तैयारी करते हैं और उधर थाने में बुढ़िया के साथ पूछताछ चल रही होती है तो वो कुछ भी नहीं बताती है। फिर आशुतोष को उसके मोबाइल से उस बुढ़िया के पोते गुड्डू का नंबर मिल जाता है और वो उसे प्रेस करता है। फिर जयराज एंड भूपेंद्र उनकी लाइव लोकेशन पर जाते हैं और गुड्डू को पकड़ लेते हैं, लेकिन गुड्डू इंस्पेक्टर भूपेंद्र पर गोली चला देता है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ कच्चा बनियान गैंग के लोग एक घर में घुस जाते हैं, लेकिन उस घर में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको विश्वास हो जाता है कि उनके घर में कोई घुस गया है। दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे दिल्ली क्राइम सीजन 2 के एपिसोड 5 की। तो दोस्तों इस एपिसोड की कहानी उन्हीं कच्चा बनियान गैंग के लोगों से शुरू होती है जहां वो एक घर में घुस गए होते हैं लूटपाट के लिए, लेकिन बुड्ढा पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है तो पुलिस आते देखकर वो घर में से निकल जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ भूपेंद्र को हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि उसे गोली लग चुकी होती है। और उधर कच्चा बनियान गैंग के लोग वहां से निकल जाते हैं और उधर गुड्डू को थाने ले आते हैं पकड़कर, और वहाँ निधि एंड जयराज को गुड्डू से गैंग के बारे में पता लगता है कि उसकी टीम में 4 बंदे काम करते हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं। फिर निधि को पता लगता है कि करिश्मा जो कि गुड्डू की बहन है वो रेगुलर एक पार्लर जाती थी, तो निधि उसका एड्रेस पूछती है। और उधर दूसरी तरफ गुड्डू के तीनों साथी एक कमरे में रुके होते हैं कि अचानक उन तीनों में पैसों को लेकर लड़ाई होने लगती है, लेकिन करिश्मा पैसों को एक पार्लर के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को दे चुकी होती है। तो फिर उनमें आपस में लड़ाई होती है। फिर बाद में करिश्मा उनको पार्लर का एड्रेस बता देती है जहां वो काम करती थी, लेकिन करिश्मा अपने साथ के 2 बंदों पर मौका पाते ही हमला कर देती है और उन्हें मार देती है। फिर वहां से निकल जाती है। फिर बाद में उनके घर पुलिस वाले आते हैं तो करिश्मा वहां नहीं मिलती है, बाकी के जो 2 बंदे थे वो वहां मरे मिलते हैं। फिर पुलिस को पता लगता है कि करिश्मा का जो मोबाइल नंबर है वो किसी और के नाम से रजिस्टर है जो कि गाजियाबाद का है। फिर वर्तिका और उसकी टीम गाजियाबाद जाती है, तो वहां उसके पति से मिलते हैं और उसके बारे में पूछताछ करते हैं। फिर सभी लोग करिश्मा के ब्यूटी पार्लर जाते हैं जहां वो काम करती थी। फिर वहां जाके पता चलता है कि करिश्मा 6 महीने पहले ही वो जॉब छोड़ गई थी। वहां भी करिश्मा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन वो कहीं और चली गई होती है। फिर नीति अपने घर जाती है और अपने पति से मिलती है। उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि नीति अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती है। उधर दूसरी तरफ वर्तिका भूपेंद्र के पास जाती है हॉस्पिटल में और दोनों करिश्मा के बारे में बात करते हैं कि इतने पैसे लेकर वो कहां गई होगी। फिर वर्तिका आशुतोष से फोन के कॉल रिकॉर्ड की जानकारी लेती है जो कि करिश्मा के घर से मिला था। आशुतोष को एक लीड मिलती है एक होटल की जहां वो रुके थे कच्चा बनियान गैंग के बंदे। तो फिर एक पुलिस वाला वहां जाता है होटल वाले के एड्रेस पर और होटल के मालिक योगेश को पकड़कर थाने ले आता है। और वर्तिका फिर उससे पूछताछ करती है तो वो करिश्मा के बारे में सब कुछ बता देता है, उसका एड्रेस भी बता देता है। तो फिर वर्तिका और उसकी टीम उसके बताए गए एड्रेस पर जाती है और करिश्मा भी वहीं उसी के बताए हुए एड्रेस पर रुकी होती है। लेकिन करिश्मा को पता चल जाता है कि पुलिस आई है तो वहां से भागने लगती है और बाद में वर्तिका उसे पकड़ लेती है। फिर वर्तिका उससे पूछताछ करती है कि तुमने ये मर्डर क्यों किए थे, तो फिर वो बाद में सब कुछ बता देती है कि उसने ये सब क्यों किया था। फिर वर्तिका मीडिया को भी बता देती है कि हमने उस कच्चा बनियान गैंग के बंदों को पकड़ लिया है। फिर कुमार वर्तिका को फोन करके केस सॉल्व करने के लिए बधाई देता है और बताता है कि तुम्हारा
प्रमोशन हो गया है, अब तुम DIG हो गई हो, और यहीं इस सीरीज का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सीजन 2 की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।